Hello students, welcome. Today's work P before parrot, P before pot. आज हम क्या सीखेंगे? Before parrot. तो before parrot कैसे लिखते हैं? Standing line and half circle. इसे क्या कहते हैं? Before parrot. Before parrot. तो चलो हम before parrot की प्रैक्टिस करते हैं. पहले हम before parrot को ट्रेस करते हैं. पहले हम क्या बनाएंगे? स्टैंडिंग लाइन और फिर हाफ सर्कल. इसे क्या कहते हैं? पी बिफोर पैरोट. तो चलो अब बिफोर पैरोट को हम ट्रेस करते हैं. स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, बिफोर पैरोट, स्टैंडिंग लाइन, फिर वहां से हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल. इसे क्या कहते हैं? पी बिफोर पैरोट. स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल. इसे क्या कहते हैं? पी बिफोर पैरोट, पी बिफोर पैरोट, पी बिफोर पैरोट, स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल, पी बिफोर पैरोट, पी बिफोर पैरोट, पी बिफोर पैरोट. तो चलो स्टूडेंट्स, हमने बिफोर पैरोट की प्रैक्टिस ट्रेसिंग करके की है. अभी हम टू डॉट्स बनाकर पी फॉर पैरोट लिखेंगे. तो चलो लिखना स्टार्ट करें. इसे क्या कहते हैं? पी बिफोर पैरोट. तो चलो पहले क्या आएगा? स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ सर्कल. इसे क्या कहते हैं? पी बिफोर पैरोट, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, पी बिफोर पैरोट, P before parrot, P before parrot, P before parrot, standing line and half circle, P before parrot, 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 standing line, fill half circle, before parrot, before parrot, before parrot, before parrot, before parrot, speak and write. देखो before parrot लिखना कितना easy है. इजी है ना? स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, बिफोर पैरोट, बिफोर पैरोट. स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, बिफोर पैरोट, बिफोर पैरोट, before parrot, before parrot, before parrot, standing line and half circle, before parrot. तो students, आज हमने क्या सीखा? P before parrot. पहले हमने tracing किया, फिर बाद में two dots बनाकर P for parrot लिखा. बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को अपनी नोटबुक में पी फॉर पैरोट की प्रैक्टिस करनी है. करोगे ना? स्पीक एंड राइट.